हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तभी सवेरे हो चुका है तो हम उठ गए हैं, और सवेरे का जो काम होता है झाड़ू पोछा बर्तन धोना ये सब सब हम कर लिए हैं। तो अभी हम नाश्ता करने के लिए चाय बना रहे हैं। जैसे चाय बन जाता है वैसे हम नाश्ता कर लेंगे। और आप लोग मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं जो कि हम इससे पहले कभी नहीं बनाए और ना ही खाए हैं। लेकिन बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए हम खरीद के लाए हैं, बनाने वाले हैं। और आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हमें बनाना शुरू करेंगे। तो आप लोग मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा चाय बन के रेडी हो गया है, और हम ये वाला टोस्ट का नाश्ता करेंगे, क्योंकि ये वाला टोस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम नाश्ता कर लिए हैं, और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं आज इसका सब्जी बनाने वाली हूँ। इसके साथ में एक आलू भी मिक्स करूँगी, ताकि इसका स्वाद जो है कि ज़्यादा टेस्टी लगे, ज़्यादा स्वाद लगे। और इसका क्या नाम है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, तो आप लोग मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसे काट लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सब्जी काट के हम धो लिए हैं, कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो अब चलिए इसे हम पकाना शुरू करते हैं। तो हम कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे थोड़ा सा, फिर इसे गर्म होने पर मिर्चे डाल देंगे, फिर प्याज, और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे थोड़ा सा लाल होने तक। तो मेरा प्याज भुना गया है, तो इसमें अब हम जो काटे हैं सब्जी उसको डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद है कि इसे अच्छे से हम ढक देंगे, ताकि ये मुलायम और सॉफ्ट बने। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे और थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना टेस्टी दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हम खाना निकाल लिए हैं, चावल के साथ में दाल हम बनाए तो भी निकाल लिए हैं, और ये जो अभी हम सब्जी बनाए हैं ये वाला सब्जी है। तो हम खाना खा लेते हैं और सब्जी भी खा लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। वाह, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब्जी खाने को। मुझे तो पता ही नहीं था कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे हम हमारे गांव की भाषा में खक्सा बोलते हैं, इसका नाम खक्सा है। तो आप लोगों को मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा है, और आप लोगों को मेरा खाना कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और आप अगर यदि नहीं खाए हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।